नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। धनबाद नगर निगम चुनाव के चौथे दिन मेयर पद के लिए 6 दावेदारों के साथ कई पार्षद प्रत्याशी ने किया नामांकन। पुराने मामले को लेकर धनबाद पुलिस ने देवी महतो एवं सोनी सिंह को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और भूली ओपी अंतर्गत भूली डी ब्लॉक में बीती रात चोरों ने करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति चुरा कर हुए फरार, पुलिस छानबीन में जुटी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव में नामांकन के चौथे दिन 4 मेयर दावेदारों ने नामांकन किया। वहीं पार्षद की 55 सीट के लिए कई प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। शमशेर आलम, रुस्तम अंसारी, अवधेश यादव और गणपत महतो ने मेयर पद के लिए निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार के समक्ष नामांकन दर्ज किए। हमारा पहला मुद्दा रहेगा नगर निगम से मेयर पद में जीतने के बाद संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र का, धनबाद का मैं समुचित विकास करूंगा। और जो समस्या है धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, मुख्यतः शहर में, उस समस्या से मैं निजात दिलाने का काम करूंगा और मेयर बनने का हूँ, पर्चा दाखिल किया हूँ। और मैं धनबाद की जनता से अपील करता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल धनबाद नगर निगम में वार्ड नंबर 35 के पार्षद रहा हूँ। क्योंकि धनबाद नगर निगम का में घोर अनियमितता और काम नहीं होने के चलते हमने एक पार्षद एकता मंच का भी गठन किया, जो 55 पार्षद ने मिल करके उसके साथ काम किया। और मुझे 5 साल का अनुभव है, मेरे पास विजन है धनबाद नगर निगम को। ये धनबाद हमारा है, हम लोगों का है। प्राथमिकता किन मुद्दों पे देंगे? हाँ, विकास प्राथमिकता, सबसे पहले धनबाद नगर निगम में विकास, सफाई, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नगर निगम नहीं है, नरक है, हम उसको नरक से निकाल करके जन्नत की ओर ले जाएंगे। वही वार्ड नंबर 10 से मनोवर अंसारी, राशिद रजा उर्फ झन्नू ने वार्ड नंबर 14 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए। इस बार जनता मेरे साथ है, मैं काफी अंतर से ये चुनाव जीत रहा हूँ। फिलहाल आपकी वार्ड में क्या समस्या है? देखिए, इससे पूर्व जो पार्षद आए, मैं कहना नहीं चाहता, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने उस पर भरोसा करके जो उन लोगों को जिताया था, वो एकदम जीरो साबित हुआ है। ना कोई वहाँ पे मतलब किसी भी समस्या का समाधान वहाँ पे नहीं हो पाया। अगर देखिए, वैसे तो हमारा शुरू से ही वहाँ पे उस वार्ड में, क्या पूरे इलाके में, हमारा मतलब कि शुरू से ही विकास का हम अपना काम करते रहे हैं, लोगों का समस्या का निदान करते रहे हैं। अगर इस बार जनता मुझे जिताने का काम करेगा, तो मैं आप लोगों के चैनल के द्वारा एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे 2 मामला है। अगर वहाँ की जनता ने अगर मुझे चुन करके पार्षद बनाया, तो निश्चित रूप से मैं डिप्टी मेयर का प्रबल दावेदार हूँ और मैं डिप्टी मेयर का पद का दावेदार हूँ। इसके साथ ही तारा देवी वार्ड नंबर 13 और मीना देवी वार्ड नंबर 11 के लिए पार्षद प्रत्याशी के रूप में पूनम कश्यप के समक्ष नामांकन दर्ज किए। किन मुद्दों को लेकर खड़ा हुई है वार्ड के? ये बहुत सारा ऐसा समस्या है दीदी, कि उसी लेके हम लोग सब महिला लोग जागृत हुए हैं, महिला लोग के बोल से खड़े हुए हैं और उसको मिटाना चाहते हैं हम। मतलब कुछ करके हमको दिखाना है। बहुत चीज़ें कि नाली का कमी है, नल वगैरह का कमी है, गंदगी है, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिला लोग के लिए करेंगे तो महिलाएं के लिए तो सब करेंगे। संगठनों के नाम बताइए, अभी क्या बताए। किरण देवी वार्ड नंबर 11, त्रिवेणी यादव वार्ड नंबर 14, निसार आलम वार्ड नंबर 14, रविंदर राम वार्ड नंबर 14, विमल परमानिक वार्ड नंबर 14, तरन्नुम बासरी वार्ड नंबर 17, अजी मुन्नी खातून ने भी पार्षद प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दर्ज किए। वहीं कई पार्षदों ने अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दर्ज किए। हमारे संवाददाता ने पार्षद प्रत्याशी से बातें की। मोबाइल नंबर मैं
वार्ड नंबर 17 से आरसीपी जो भी काम किए हैं वो बहुत अच्छा है और जो काम अधूरा है उसे मैं पूरा करूंगी, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, नाली, रोड और युवा एवं युवतियों के लिए रोजगार। मैं अपने वार्ड की हर समस्या को दूर करने के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और अपने वार्ड के जनता के भरोसे पर खड़ी उतरूंगी। जो काम नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगी, वार्ड को पूरा हम विकास बना दूंगी, नरक निगम के मैं नगर निगम बनाऊंगी, हक वाले को मैं हक दिलाऊंगी। हक पाने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं है, जरूरत है दिमाग की, मैं हूँ मुन्नी खान। मुख्य समस्या क्या है? पानी और बिजली। अगर आपको लोग जिताती है तो क्या करें? समस्या क्या है? सबसे पहले हम पानी के पानी की समस्या दूर करेंगे, क्योंकि पानी के हम लोग वहाँ ले का जनता के पास जाएंगे। बहुत सा समस्या तो हम दूर करने की कोशिश किए लेकिन नगर निगम का संसाधन नहीं रहने की वजह से बहुत सा काम जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम करेंगे। सबसे पहले है सफाई, जो कचड़ों का अंबार लगा हुआ है वासेपुर क्षेत्र में, उस क्षेत्र उसको सफाई को हम करने का काम करेंगे। इस बार वार्ड नंबर 14 त्रिवेणी यादव, किन किन समस्या को लेकर आप चुनाव में उतरे? देखिए सर, पहले जो भी हमारे पार्षद थे वो कुछ नहीं किए हमारे 14 नंबर वार्ड में, और हम लोग नए पार्षद के रूप में अपना काम करने का ये कर रहे हैं, योगदान देंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, बिजली पानी व्यवस्था सब सही रखेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? 13 नंबर। आपको अच्छा लगे? क्या नाम हुआ? तारा देवी। आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर पार्षद बनते तो क्या करेंगे आप? करेंगे जैसे टूटे फूटे लाली है, रोड है, बिजली है, विधवा पेंशन है, बच्चे का शिक्षा के लिए सब करेंगे। क्या क्या समस्या है वार्ड में? हर चीज की समस्या होती है। नगर निगम जितना भी नगर निगम से जो मिलेगा महिलाओं के लिए क्या करिए? महिलाओं के लिए भी तो चिंता करते हैं, काम किए हैं और जो काम अधूरा रह गया है इस बार हमारी जनता मेरे साथ है, उसको पूरा करेंगे। क्षमा करी वार्ड नंबर 14 से लेकर हम लोग सब महिला लोग जागरूक हुए हैं और महिला लोग के बोल से खड़े हुए हैं और उसको मिटाना चाहते हैं हम, मतलब कुछ करके हमको दिखाना है। बहुत चीज़ है कि नाली का कमी है, नल वगैरह का कमी है, गंदगी साफ करना, गंदगी है, महिला लोग के लिए करेंगे तो महिलाएं के लिए तो सब करेंगे। संगठन का नाम बताइए। संगठन का अभी क्या बताए? संगठन का नाम रह चुके हैं, जैसे गंदगी फैला हुआ है, नंबर वार्ड को सफाई करवाएंगे, लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं बना है उसे बनाऊंगा, बच्चे लोग को पानी की व्यवस्था कराएंगे, बच्चे लोग को आंगनबाड़ी में पढ़ने की व्यवस्था देंगे, जितना बच्चे लोग को तकलीफ में उसके लिए अपना बच्चा अपना बच्चे को फर्क नहीं करेंगे, हम सबके लिए हम करेंगे। 5 साल में क्या कमी रह गई? बहुत से कमी रह गई, हम सब पूरा करेंगे, हम जितने पास हम सब काम पूरा करेंगे, हम नल लगवा देंगे नली। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। बीती रात भूली ओपी अंतर्गत भूली डी ब्लॉक सेक्टर 10B क्वार्टर नंबर 6 में चोरों ने करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति चुरा कर ले गए। घटना के संबंध में आपको बता दें कि गिरेश स्वामी अपने परिवार के साथ शादी समारोह के लिए बाहर गए हुए थे, इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में घुसकर सामान चुरा कर ले गए। भुक्तभोगी BCCL कर्मी है और एरिया 9 में फीटर हेल्पर के पद पर कार्य है। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में धर्मेंद्र कुमार से बातें की। अब कितना समय में हम लगभग 2 बजे कितना का संपत्ति गया हुआ? क्या क्या गया? ये अनुमान तो हम नहीं। क्या क्या गया आपका? सोने का चैन है, 3 गो सिक्का है, 25 गो चांदी का सिक्का है, बर्तन भी है और साबुन सरफ। कैसे पता चला आप लोग? टेप हो रहा है, हमने आने पर जैसे घर आए तो जैसे पता चला कि देखे कि दरवाजा मेरा खुला, महल्ला का आदमी बैठे हुए थे। कहाँ गए हुए थे? कहाँ गए हुए थे? घर गए थे। अब
आज धनबाद पुलिस ने पुराने मामले को लेकर जेएमएम नेता देबू महतो एवं भाजपा नेत्री सोनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम में तालाबंदी एवं हंगामा करने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया था। इसी को लेकर आज धनबाद पुलिस ने धर दबोचा और जेल भेज दिया। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में देबू महतो एवं सोनी सिंह से बातें की। किस वार्ड से नॉमिनेशन किया था? 26 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? सोनी सिंह। तो क्या उसके पूर्व में कुछ घटना घटी थी क्या नगर निगम? 2007 में हमारे कुछ लेडीज से हल्का फुल्का झगड़ा लाया हुआ था, वो कम्प्रोमाइज उसी दिन भी हो गया था। हाँ। कम्प्रोमाइज भी हो गया था मगर अचानक फिर अभी इधर सब चीज हो गया था। नहीं, ये लोग डेट में दो डेट में जो पटिशन जो होता है वो नहीं डलाया, हम लोग ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं देने का चलते आज हमारे जो डेट में नहीं जा सके, कम्प्रोमाइज हो गया, कम्प्रोमाइज हो चुकी थी हमारे बीच में, मगर वही है कि जो डेट पे नहीं जा पाए उसके चलते अचानक से आया वारंट तो आया ही नहीं, पता ही नहीं चला डायरेक्ट लाल वारंट। हमारा जो विरोधी पार्टी है वो दिमाग लगा के अपना खेला किया है। तालाबंदी कब किया था जी? कब का ये मामला था? बहुत पहले 2007 का ही मामला है। ये तालाबंदी का केस नहीं है? नहीं, तालाबंदी कौन वाला है? कुछ झगड़ा झंझट कुछ झगड़ा लाई हुआ था और कम्प्रोमाइज भी हो गई है। एक मिनट, हम लोग में समझौता हो गई थी एक दूसरे का, ठीक ना, और फिर हम लोग मिल के एक दूसरे से कम्प्रोमाइज भी हो गया था, मगर अभी अचानक लाल वारंट आई, पता ही नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। मामला है धनबाद जिला में विद्युत लचर व्यवस्था के खिलाफ, हम लोगों ने जेई के साथ आंदोलन किए थे जेई के खिलाफ में, जिसका मुकदमा नंबर है 1556/2009 और धनबाद नगर निगम 2010 के चुनाव होने के बाद धनबाद नगर निगम में जनहित के कोई कार्य नहीं हो रहा था, कार्य ठप पड़ा हुआ था, जिसके कारण हम लोग पार्टी स्तरीय जनहित के समस्याओं को नियमित सफाई, नियमित जलापूर्ति, नियमित डस्टबिन साफ करना, ये सारी समस्याओं को लेकर पार्टी की ओर से हम लोगों ने आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद वार्ता कई बार नहीं होने के बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिलने के बाद, निगम को सूचना देने के बाद धनबाद नगर निगम कार्यालय में हम लोग तालाबंदी किए थे, जिसको निगम के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए हमारे खिलाफ मुकदमा किया गया और उस मुकदमे ने आज हमें नॉमिनेशन करने से बाद जो है कि गिरफ्तार किया है। धनबाद के जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि जो जनहित के मुद्दा लेकर लड़ते हैं उसके लिए जेल है, और जो नगर निगम को लूटपाट और भ्रष्टाचार और ठेकेदारी में तब्दील करता है वैसे लोगों को सबक सिखाने काम करें। जनता के पास अभी माकूल समय आया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं जनता सजग हो चुकी है और अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्षम होंगे। 2013 को नॉमिनेशन आज किए थे, नॉमिनेशन होने के बाद गिरफ्तार होंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू, तब तक बने रहिए आप हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। निरसा अंतर्गत एमपीएल एक बहुत बड़ी संस्था है, रोजाना निरसा जामताड़ा रोड से हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। जिस सड़क पर एमपीएल में लगे हाईवा का भी परिचालन कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है, एमपीएल कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए हाईवा की मदद लेता है, पर सड़क पर चल रही इस हाईवा को कभी भी कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आते हैं। जनता के जेहन में बहुत सवाल है कि आखिर कब तक जनता की सांसों को बंद करके हाईवा का परिचालन होगा। जनता अपने आप को हमेशा एक बड़े हादसे के रूप में देखती है, क्योंकि जनता अपने आप को इस सड़क पर चलने में महफूज नहीं समझती है। इस रोड पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा डर लगता रहता है कि कब हम इस सड़क पर चल रहे हाईवा की चपेट में आ जाएंगे। वीडियो बराबर सब क्लियर है, सब सही है, जांच कर लिए सब सही है, नंबर है ये नहीं गाड़ी।
यही नहीं, एक तरफ जहां सरकार प्रदूषण पर अपनी शक्ति दिखाती है तो सारी बातें यहां खोखली नजर आती है। ये हम नहीं, यहां की जनता बोल रही है। इन सब पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। क्या कारण है, क्यों यहां की जनता को सुरक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है? इस रोड पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, पर क्या इस सड़क पर उन नियम का पालन हाईवा चालक करते हैं? जनता बताती है कि सभी नियमों को ताक पर रख कर हाईवा चलाया जाता है, क्योंकि इनको किसी का खौफ नहीं है। अगर नियमों की बात करें तो एक सीमा निर्धारित की गई है, जिससे हाईवा की गति सीमा 20 किलोमीटर होनी चाहिए, पर चालक उस सीमा को नज़रअंदाज करते हुए इस सड़क पर हाईवा दौड़ाते हैं और किसी न किसी शख्स को अपनी चलती गाड़ी की चपेट में लेते हैं। जिस घटना से शायद प्रशासन भली भांति परिचित है, फिर भी घटना को नज़रअंदाज किया जाता है। हादसों के वक्त अगर हम गौर करें तो कई हाईवा पर नंबर भी नहीं होता, पर यह सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी हाईवा की जांच क्यों नहीं होती और ये कैसे सड़क पर दौड़ रही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर किसको ये अधिकार मिला है कि जनता की मौत का सौदा किया जाए। आप खुद सुनिए आखिर जनता क्या बोल रही है। लोग तो 2 साल के बाद मरेंगे, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी जो है 10 साल 8 साल के बच्चा, उन सबों का क्या गुजरेगा, उन लोग कई साल जिंदा रहेगा, किसको बोला जाएगा। और आज 65 साल के आजादी में एक आदमी इस रोड में एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। लेकिन 3 साल के अंदर हाईवा के अंदर 47 आदमी का एक्सीडेंट हुआ, 3 आदमी का अभी पैर कटा हुआ है, उसका प्रूफ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ किसको सुनाएगा। डर रहता है कि जब घर से निकलता तो घर वापस जाएंगे कि नहीं, वो भी मैंने डर रहता है। रफ्तार जो है रफ्तार, ये तो रोड बनने के बाद रफ्तार तो और जानलेवा हो गया हाईवे। शिकायत किसको करेंगे, जो 40-50 को मरा कल लगता है कितना मरेगा उसका कोई गारंटी नहीं। ड्राइविंग करता हमको लगता था प्रशासन इसको एकदम पूरा जांच करके अगर करेगा तो इसमें हादसा एक्सीडेंट कुछ घटेगा। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, हमको लगता है जिसका मूंछ भी नहीं निकला है, पीछे में पॉलिश लेके वो लोग ड्राइविंग करता है, तो लापरवाही तो 100% अगर प्रशासन इसका निष्पक्ष जांच करेगा तो हमको लगता है 30% हाईवा ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बाकी सब बेकार। मान लीजिए थाना तो हाईवा चला जाता है फिर वहीं से रिलीज हो जाता है, वो कैसे होता है प्रशासन बोल सकता है। आज आप लोगों को पुरलिया स्थित महतोड़ काली मंदिर का दर्शन कराते हैं। यह महतोड़ मंदिर है जहां दूर दूर से लोग काली माँ का दर्शन करने आते हैं। यहां के श्रद्धालुओं का कहना है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहां लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और माँ उनकी झोली खुशियों से भर देती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहां रोज मंदिर में पूजा करने के लिए काफी भीड़ जुटती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता को मंदिर के पुजारी ने बताया। हम तो नहीं जानते हैं, वो मां जानते सब, सबसे पूछिए हम क्या बोलेगा। आप लोग देखे थे मंदिर के महत्व जरूर है, जो आप माँ का वही सक्सेसफुल होता है, सभी भी बनता है, वहाँ की पूजा भी चढ़ाए, सबके मांस करे, जो भी मांस करेगा वही सक्सेसफुल होगा। किसी बीमार के लिए, जिसके बाल बच्चा नहीं है, जिसके शादी नहीं होता है, जिसके कर मैरिज है कर लेगा। कितने वर्षों से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम 13 बच्चे हैं वैसे, मेरा वैसा 13 हूँ, अभी 60 हूँ, 13 साल से पूजा करते हैं। वहीं एक श्रद्धालु से भी हमारे संवाददाता ने बातें की। यहाँ पूजा करने यहाँ
मन्नत है कि यहाँ पर आने पर हर मन्नत पूरी होती है, जैसे हमको मालूम चला था, लोगों से पता चला था, हम आए पूजा करने बहुत सारा यहाँ भीड़ भी लगा हुआ मन में तसल्ली हो रहा कि हम आए माता दर्शन किए। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। धनबाद नगर निगम चुनाव के चौथे दिन मेयर पद के लिए 6 दावेदारों के साथ कई पार्षद प्रत्याशी ने किया नामांकन। पुराने मामले को लेकर धनबाद पुलिस ने देवी मातो एवं सोनी सिंह को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और भूली ओपी अंतर्गत भूली डी ब्लॉक में बीती रात चोरों ने करीब 5,00,000 रुपए की संपत्ति चुरा कर हुए फरार, पुलिस छानबीन में जुटी। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9335524005 9939144 आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं aajkasach.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।